सुप्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चचेरे भाई को उन्हें मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है चचेरे भाई को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन लगाकर धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छतरपुर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चचेरे भाई को किसी अज्ञात द्वारा धमकी दी गई है। दरअसल घटना बमीठा के गड़ा गांव की है, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग के फोन पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। इस व्यक्ति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बात करवाने को कहा। चचेरे भाई लोकेश ने महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रायपुर होने की बात कही, जिस पर वह बिगड़ गया और उन्हें देख लेने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने लोकेश गर्ग की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। छतरपुर के थाना बमीठा अंतर्गत एक आवेदक है लोकेश गर्ग, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के रिश्तेदार है, उनके द्वारा एक आवेदन लिखित तौर पर दिया गया है कि उनके पास एक फोन आया था, जो फोन या जो कॉल करता था उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी जो बात है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से करा दीजिए, परंतु जब वो बात नहीं करा पाए उसने बोला उसे काफ़ी समस्या है और उसकी बात होना बहुत ज़रूरी है, पर जब वो नहीं उससे बात कराया और बोला कि वो यहाँ छतरपुर में ना होकर रायपुर में है, तो वहाँ उसका जो वो है वो काफ़ी बिगड़ गया और उसने लगातार ये बोला कि आप मेरी बात कराइए, नहीं तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा और जो हो पाएगा मेरे से वो करूँगा। तो उसी के आधार पर 506-507 की कायमी आवेदक के द्वारा कराई गई है और अभी तक ये कायमी जो है अज्ञात अमर सिंह है, जिनके की गई है। इसमें जाँच कुछ विषयों तक बाकी है और जैसी जांच होती है तथ्य सामने निकल के आते हैं, उससे अवगत कराएंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।